हेलो स्टूडेंट। तो अब हम आज देखेंगे अपने हैशटैग चैनल में के अंतर कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बहुत बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको कुछ करना नहीं होगा इसमें भी। आपको आइए कैसे करते हैं। देखिए क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब सारे कैपेसिटर का पॉजिटिव एंड एक जगह पर और नेगेटिव प्लेट एक जगह पर जुड़ी हो उसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर एक बात क्या है, क्योंकि सबका पॉजिटिव एक जगह पर है, सबका नेगेटिव एक जगह पर है, तो सारे का पोटेंशियल सेम होगा। अलग क्या होगा, चार्ज। यहाँ चार्ज क्यों गया, तो यहाँ पर Q1, Q2, Q3 चार्ज को अलग अलग रास्ते मिल जाएंगे तो चार्ज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अलग क्या होगा, चार्ज अलग होगा। मैंने पहले ही कहा था जो चीज अलग होती है आप वही निकाल लिया करो। तो यहाँ पर चार्ज अलग है, पोटेंशियल सेम है, तो आप क्या करोगे, चार्ज यहाँ फाइंड करोगे। तो आप देखोगे आपने पढ़ा हुआ है सिंस क्यू इक्वल टू क्या पढ़ा है, CV पढ़ा हुआ है। चार्ज अलग है तो पहले के लिए निकाल लो कितना चार्ज होगा आप पहले के लिए। तो Q1 इक्वल टू पहले कैपेसिटर के लिए Q1 इक्वल टू C1V, V1 नहीं होगा, पोटेंशियल सेम है। दूसरे के लिए C2V, इसी तरह तीसरे के लिए, फिर N के लिए बात करो अगर आप N के लिए, तो ऐसे से Qn क्या हो जाएगा, CnV। अब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आप ध्यान दो, यहां पर जो क्यू है वो क्या है, Q1, Q2 कहाँ तक जाएगा, ये n हो तो n तक जाएगा। बस क्या करना है आपको, यहाँ उठा के वैल्यू पुट करनी है, किसकी, सारी वैल्यू उठा के आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो आप प्रूव हो गया क्यू इक्वल टू Q1 क्या है, C1V, C2V कहाँ तक जाएगा, ये n है तो n तक जाएगा, CnV। यदि पूरे सिस्टम का पोटेंशियल वी चार्ज क्यू हो और कैपेसिटेंस आपने क्या माना है, सीपी माना है, तो आप देखो क्यू इक्वल टू आप सीवी लिखे हुए हो, तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर दो आप C into V, बात करते पैरेलल के पी लिख दो आप, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन निकाल लो, वी कॉमन निकाल लो आप, तो क्या मिल गया, C1 C2 कहाँ तक जाएगा, ये CN तक जाएगा। देखो आपको यहाँ क्या कट जा रहा है, V कट गया। तो फॉर्मूला देखो आप छोटा सा डिराइव हो गया है, CP इक्वल टू क्या आ गया आपका, देखो C1 C2 कहाँ तक जाएगा, ये CN तक जाएगा। ये रहा फॉर्मूला किसके लिए, जब कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हो तब के लिए। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था। दो तीन पॉइंट्स इसमें हैं, आप देख लो दो तीन पॉइंट क्या क्या हैं। पहली बात क्या है, यहाँ पर है क्या सेम है, वी इज सेम, पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्यू इज डिफरेंट, जस्ट अपोजिट चल रहा है आपकी सीरीज से, पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है। अब यहां पर जो टोटल कैपेसिटेंस सीपी होगा, जो टोटल निकालोगे आप, वो क्या होगा, इन इंडिविजुअल कैपेसिटर में जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उससे बड़ा होगा। एग्जांपल ले लो आप, मान लो पहले का 2 माइक्रोफेरेड, दूसरे का 3, तीसरे का 4, तीन सब में बड़ा कौन है, 4। अब उन सबको ऐड करो तो 2 + 3 + 4 कितना आया, 9 माइक्रोफेरेड। अब 9 माइक्रोफेरेड क्या है, सीपी है, वो क्या है, इन सब में बड़ा कौन था, 4, तो 4 से बड़ा होगा, ये बात रही इसकी, ठीक है। मीन्स यहाँ पर सीपी जो होगा, सीपी इज ऑलवेज क्या, ग्रेटर देन द इंडिविजुअल हाईएस्ट कैपेसिटर, इंडिविजुअल हाईएस्ट कैपेसिटर से क्या होगा, बड़ा होगा। इसकी आखिरी पॉइंट क्या होगी, जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू वॉट, कैपेसिटेंस। यहाँ जो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर होगा वो प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस के होगा। इसको भी आप एक बार पोस्ट करके प्रूविंग देख लेना, और कैसा लगा आपको उसको हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।